गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 में सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 4 रोज नंबर 4 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बैंक के लिए से व्यवहार का रोज दर्शा। तो यहाँ पे रोकड़ के अलावा जो बैंक के साथ व्यवहार होता है उसका रोज दर्शा है। तो बैंक में चेक भरा जाए या बैंक में रोकड़ भरा जाए तो बैंक लेने वाली है, बैंक व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्तिगत खाता के नियम के अनुसार जब बैंक लेने वाली हो तो उधार होता है और जब बैंक में से रकम निकाले तो बैंक देने वाली होती है। तब व्यक्ति खाता के नियम के अनुसार बैंक खाता जमा होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों का कृष्णा की बहन ने रोजनामचा लिखे 2014 मार्च 1 तारीख में लिखेंगे 2014 मार्च 1 पहला व्यवहार है रुपया 20,000 बैंक में बर्गर खाता खुलवाया। 20,000 रुपया बैंक में भरा है मतलब बैंक में भरा है तो बैंक लेने वाली है और धंधे में से रोकड़ गई है तो रोकड़ के नियम के अनुसार रोकड़ जाए तो जमा होता है। तो पहला रोज दर्शा लिखेंगे बैंक खाते उधार बैंक लेने वाली है रोकड़ खाते का रोकड़ जा रही है रोकड़ जाए तो जमा होता है रकम 20,000। विवरण लिखेंगे बैंक में भरकर खाता खुलवाया श्री हरि के पास से 5,000 का चेक मिला जो तुरंत बैंक में भर दिया। चेक बैंक में भरा है तो बैंक देने वाली है और हरि के पास से चेक मिला है मतलब हरि देने वाला है तो व्यक्तिगत खाता के नियम के अनुसार देने वाला जमा होता है। तो बैंक लेने वाली है तो बैंक खाते उधार श्री हरि खाते का रकम 5,000 विवरण लिखेंगे चेक मिला जो बैंक में भरा तारीख रमनलाल के पास से वसूली के रूप में 2,000 का चेक मिला। रमनलाल के पास से चेक मिला है तो ये चेक भी हम बैंक में रखेंगे बराबर बैंक में भर देंगे तो बैंक खाते उधार रमनलाल खाते का विवरण लिखेंगे चेक मिला
बैंक में भरा। तारीख 10 रूपाली को 14,000 रुपया का माल बेचा, उसमें से आधी रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा। तो यहाँ पे आधी रकम का चेक मिला तो आधा व्यवहार उधार है और आधा व्यवहार रोक कर दो। चेक बैंक में भरा तो बैंक लेने वाली हुई। इसके बाद आधा व्यवहार उधार है तो व्यक्ति का नाम भी है तो व्यक्ति के नाम के खाते उधार होगा और बिक्री खाते जमा। तो लिखेंगे बैंक खाते उधार, रूपाली खाते उधार, बिक्री खाते का टोटल 14,000 की बिक्री है तो बिक्री खाते जमा 14,000। आधी रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा तो 14,000 का आधा 7,000 और 7,000 उधार व्यवहार है तो रूपाली खाते 7। विवरण लिखेंगे माल बेचा, आधी रकम का चेक मिला, जो बैंक में आगे तारीख 12 दीप तलावे से 10,000 का माल खरीद कर आधी रकम चेक से चुका है, ये भी आधा व्यवहार उधार है और आधा व्यवहार रोक कर है। रकम चेक से चुकाई है तो बैंक जमा होगा, खरीदी उधार होती है। दो दाम जा लिखेंगे खरीद खाते उधार, टोटल खरीदी 10,000 की है। इसके बाद आधी रकम का चेक दिया तो बैंक खाते का 10,000 का आधा 5,000। इसके बाद आधा उधार व्यवहार है तो दीप कला खाते का 5,000। विवरण लिखेंगे माल खरीदा, आधी रकम का चेक दिया, तारीख 15 घर खर्च के लिए 400, ऑफिस खर्च के लिए 800 बैंक में से निकाले। जब घर खर्च के लिए निकाला है मतलब कि निजी खर्च है तो आरण खाते उधार है। इसके बाद ऑफिस खर्च के लिए निकाला, ऑफिस खर्च के लिए बैंक में से निकाला है, अभी ऑफिस खर्च चुकाया नहीं, सिर्फ बैंक में से निकाला है तो धंधे में रोकड़ आ रही है तो रोकड़ खाते उधार हो गए। घर खर्च है तो आहरण खाते उधार,
400 होगा। ऑफिस खर्च तेने निकाला, रोकड़ आ रही है धंधे में, तो रोकड़ खाते उधार 800। बैंक में से निकाला है, बैंक देने वाली है, तो बैंक खाते का 1200। विवरण लिखेंगे, घर खर्च और ऑफिस खर्च के लिए बैंक में से निकालें। जीवन बीमा प्रीमियम 300 और आपका बीमा प्रीमियम 450 चेक से चुकाया। जीवन बीमा प्रीमियम में तो ये भी व्यक्ति का निजी खर्च है तो आरण खाते होगा, और आपका बीमा प्रीमियम खर्च है तो उसके खाते भी उधर होगा, आरण खाते उधार 300। आग का बीमा प्रीमियम खाते उधार 450, बैंक खाते का 750। विवरण लिखेंगे, जीवन बीमा प्रीमियम और आग का बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। तारीख 20, बैंक ने रुपया 25,000 का ओवरड्राफ्ट मंजूर किया। बैंक ने सिर्फ ओवरड्राफ्ट मंजूर किया, बैंक ने अभी ओवरड्राफ्ट की रकम दिया नहीं, तो ये गैर आर्थिक होगा, मतलब प्रविष्टिया अथवा तो रोधाविचार नहीं होगा, तो लिखा जाएगा गैर आर्थिक व्यवहार। आगे तारीख 25, बैंक ने ब्याज रुपया 250 जमा किया तथा बैंक खर्च का रुपया 100 उधार लिया, तो यहाँ पे दो रोजनामचा भी लिखा जाता है और संयुक्त रोजनामचा भी लिखा जाता है, हम अलग अलग, तो 25 में एक बैंक ने जमा किया तो रोजनामचा होगा बैंक खाते उधार, बैंक ब्याज खाते का 250। विवरण लिखेंगे, बैंक में जमा किया ब्याज 100 उधार किया, बैंक खर्च का उधार किया तो बैंक खर्च खाते उधार
100 रुपए। विवरण में लिखेंगे बैंक ने बैंक खर्च उधार किया, तारीख 31, मालिक के पुत्र के विदेश प्रवास के लिए 5000 का चेक धंधा में से दिया। मालिक के पुत्र के विदेश प्रवास मतलब के मालिक का ये निजी खर्च है, तो ये आरण खाते उधार होता है। आरण खाते उधार रकम 5, बैंक खाते का विवरण लिखेंगे विदेश प्रवास के लिए पुत्र के विदेश प्रवास के लिए 6 टोटल कर देना। आगे का जो क्वेश्चन है हम आगे कल देखेंगे।